बड़े फ़ख्र की बात है, इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान के इंतहाई बुजुर्ग आलम दीन और उसके अलावा मदरसा इस्लामिया फारूक आज़म के आप मोहतमिम भी हैं और हमारे इंतहाई शफीक बुजुर्ग हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते रहते हैं, क़िबला आप मोहतमिम हैं। उसके अलावा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं क़िबला मौलाना क़ारी अल्लाह दाद साहब। क़िबला कैसा लग रहा है देख के सारे जानवर और ये तमाम ही मसालिक के लोग इसमें हिस्सा भी लेते हैं, गोश्त भी बिला तफरी तकसीम होता है, क्या क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? बस मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत है और बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये जानवर भी तरोताज़ा हैं, कम से कम मेरी उम्र का कोई भी नहीं है, सब आप ही की उम्र के हैं, ये भी अच्छी बात है। तो खुशी हुई देख के और इस खिदमत को आप जारी सारी रखें और अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला इस वबा से इस परेशानी से पूरी कायनात को महफूज भी फरमाए और हमारे मुल्क की अल्लाह ताला खास तौर पर हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको तमाम परेशानियों से महफूज रखे और जो जो लोग आपके साथ ये हिस्सा मिला रहे हैं या आपके साथ काम कर रहे हैं अल्लाह उनको भी तादेर सलामत रखे। मैं एक और बार बता दूँ, रमज़ान मुबारक में रोज़ाना दिन में 2-2.5 बजे 50-60-70 देगें और उनको मुख्तलिफ गरीब 72 देगें और दिल्ली और गरीब बस्तियों में बंटवाना कमाल काम है। हम तो क़िबला का काम देख रहे थे, जाते थे वहाँ से भी ले लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना। तो मैं क़िबला यही गुजारिश करूँगा, जिस तरह तमाम जैयद उलमा यहाँ होते हैं, ईद के तीसरे दिन अगर आप भी आएँ और आपके हाथ से 5-10 ऊँट नहर हों तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं असल में आपसे कमेंटमेंट तो नहीं करूँगा इसलिए कि मेरी कुछ मसरूफियात भी होती है और वो मुझे बाद औकात उस जगह को तरजीह भी देनी होती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ इंशाल्लाह तो ज़रूर ऐसा। बहुत शुक्रिया क़िबला, हम आपके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इसी तरह हमारी रहनुमाई फरमाते रहें। बहुत शुक्रिया क़िबला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।